किचन ऑफ हाउस एंड वाटर टैंक इन सेम डायरेक्शन। पहले तो आपको ये समझना है, एक मिनट भैया जी, ये जो है ये आपका हाउस, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हिडन रहता है, चाहे जितनी आप रेमेडी कर लो लेकिन बंदे को जो प्रॉब्लम है स्वास्थ्य का वो आप हल नहीं कर पाओगे। दूसरी बार बोल रहा हूँ, ये चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो आपको फिजिकल में देखने को नहीं मिलेगी। यू हैव टू ऑब्जर्व, आपको घर के बाहर जाकर सब कुछ देखना पड़ेगा, सेप्टिक टैंक किधर है, वाटर टैंक किधर है, बोर किधर है, ठीक है कि नहीं, इस तरह से देखना पड़ेगा और वो फ्लोर लेवल पर हिडन होगा। दैट टाइम यू हैव टू आस्क द क्लाइंट वेयर इज द बोर, वेयर इज द ड्रेनेज लाइन, वेयर इज द सेप्टिक टैंक, राइट। तो अब यहां पर आपको सोचना है, ये जो केस है पूरा, इसमें ये घर जो है इसमें समझ, ये किचन है, ये किचन है, ठीक है, जहां पर मैंने के लिखा है विच इज द सेंटर ऑफ द किचन, अगेन जहां पर के लिखा है इट इज द सेंटर ऑफ द किचन, और ये किचन के बाहर से ये जो जा रहा है वहां पर ये है वाटर टैंक। अब ये वाटर और ये फायर क्या हो रहा है, एक ही जोन में आ गया सर। जोन की कहां बात है मैडम, ये जो सेंटर लाइन ऑफ द किचन है और ये वाटर है जो एनर्जी की आपले हो रही है एक दूसरे के बीच में, और दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। यस सर, एंटी एलिमेंट्स है। हाँ, एंटी एलिमेंट हो गया। तो यहाँ पर जो एनर्जी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो मतलब यहाँ पर वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है, स्वास्थ्य के संबंधी, झगड़े के संबंधी सब कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाला है, रिलेशनशिप में इश्यू, डिसीज तो हमने ऐसे देखे हैं कि डॉक्टर कैन नॉट आइडेंटिफाई, डॉक्टर लोग को भी पता नहीं चलता कि ये कौन सी बीमारी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और हकीकत में ये हमने देखा है, और फिर वो लड़के की शादी है तो शादी में पहले से ही कहना पड़ता है लड़की वालों को कि ये प्रॉब्लम है, अब वो लोग भी समझ नहीं पाते कि कौन सा ये प्रॉब्लम है, इसलिए हमें इसकी बात, ये बात ध्यान पे रखनी है। तो यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन करना है वो भैया बताएंगे। चलिए, ये एक्सिस पर आया है वो सबसे पहला इम्पोर्टेंट है, और ये साउथ ईस्ट एक्सिस जो जा रही है नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट, तो उसकी एक्सिस पर है, तो पहले हमें क्या करना चाहिए कि ये यहाँ से जो एनर्जी आ रही है वाटर टैंक से नॉर्थ में हमें पहले रिमूव करना है, थोड़ा क्लियर करना है, ये ब्लॉक करना है ये एनर्जी को किचन वाले कॉर्नर से, घर के ये साउथ ईस्ट कॉर्नर से प्रोटेक्शन हमें लेना है। तो प्रोटेक्शन लेने के लिए दो काम किया है, एक बाहर का वाटर टैंक है तो उसके पास यहाँ पर पिरामिड्स रखे हैं एल शेप में ऐसे, ताकि यहाँ से जो वाटर एलिमेंट की जो एनर्जी आ रही है वो यहाँ रुक जाएगी, तो कमांड जो होगा वो भी वैसे ही होगा कि ये वाटर एलिमेंट की एनर्जी जो है वो घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर तक या तो किचन तक वो नहीं जाए और स्टॉप हो जाए। स्पेशल मैक्स यूज किया है टू स्टॉप द एनर्जी व्हिच इज गोइंग टुवर्ड्स द किचन, राइट। और दूसरा शिफ्ट में यूज करके इसे हमने नॉर्थ ईस्ट में क्यों नहीं ले गया, फिर ले सकते हैं, ले सकते हैं सर। इसमें ऐसा है कि यहाँ पर ये जो है नॉर्थ, नहीं ये जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है, ठीक है, तो इफ यू वांट टू शिफ्ट दिस वाटर टैंक ओवर हियर, दैट टाइम सी कि यहाँ पर वो बंदे की प्रीमाइसिस है क्या, यहाँ पर लगा सकते हैं, तो 1, 2 यहाँ पर लगा दो, 3 लगा दो, और फिर यू कैन शिफ्ट दिस वाटर टैंक, वो कर सकते हैं। किचन साउथ ईस्ट में नहीं है, देखो ये जो ईस्ट है और ये जो साउथ है, ठीक है, इसमें ये वाटर टैंक आ गई है, प्रॉब्लम ये है, और फिर दूसरा प्रॉब्लम ये एक एक्सिस में है, दो प्रॉब्लम है इधर, इसलिए आप शिफ्ट करो तो आपको यहाँ का बेनिफिट मिलेगा। यस सर, यहाँ पर स्टॉप कर दिया तो आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ से आप शिफ्ट कर तो वही अच्छा है, लेकिन यहाँ पर ये बात बताइए कि इफ यू कांट शिफ्ट दिस वाटर टैंक टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, दैट टाइम यू हैव टू स्टॉप दिस एनर्जी बाय प्लेसिंग मैक्स पिरामिड, स्पेशल मैक्स पिरामिड और एनी पिरामिड्स, राइट, ठीक है। और दूसरा जो ऑप्शन बताया है वो अंदर की साइड से, अगर आप ये वाला कर रहे हो कि कॉर्नर से प्रोटेक्शन ले रहे हो यहाँ पर,
तो एक और पायरा एंगल यहाँ पर लगाओ और पायरा बैंड साथ में लगाओ। इससे क्या होता है, ये जब भी हम एल शेप में ऐसा प्रोटेक्शन लेते हैं तो वो बाहर से आने वाली एनर्जी के सामने वो स्टॉप कर देता है। उस टाइप का प्रोग्रामिंग हमें करना है। हमने जहां तक किया हुआ प्रैक्टिकल, तो ये जो लाइन है ना, ये आउटसाइड ऑफ द हाउस कॉर्नर, वहां पर मल्टीयर रख दिए है, नाइन इतना है किया इस है, साइड में, काम 9 मल्टीयर रख दिए है, तो स्टॉप हो जाता है। करता लेकिन है। ये क्यों इनसाइड से बताया कि यहां पर यू कांट डिगिंग, यू कांट डिग द पिट, कभी कभी राइट? कभार ऐसा होता है कि डिगिंग पॉसिबल नहीं नहीं है, है, कंक्रीट कर दिया अच्छा है। सा वो पीसीसी किया हुआ है, ऊपर टाइल्स लगाई है, ठीक है ना, वो लोग नहीं करना चाहते। दैट टाइम यू कैन प्रोटेक्ट दिस एनर्जी बाय प्लेसिंग पायरा एंगल एंड 2 पायरा बैंड फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द किचन वॉल, राइट? किचन वॉल के ऊपर लगा सकते हो आप, मतलब छत पे वहां पर छत पे भी नहीं लगा सकते और नीचे लगाओ तो भी चलेगा, ठीक है ना? वो प्रैक्टिकल आपको करना पड़ेगा। अभी दिमाग को तसल्ली दो कि हाँ ये ऐसे हो सकता है, देन आफ्टर प्रैक्टिकल में जाओ, ठीक है?